नोएडा के कोविड-19 अस्पताल पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बैठक के दौरान दादरी के विधायक तेजपाल नागर, नोएडा जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में लिए गए अहम फैसले, उप मुख्यमंत्री ने कोविड-19 अस्पताल का भी निरीक्षण किया, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान मुस्तैद दिखाई दिए पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने अब से थोड़ी देर पहले शहर के कोविड-19 अस्पताल पर अचानक छापेमारी की है। उप मुख्यमंत्री बिना बताए अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डिप्टी सीएम के कोविड-19 अस्पताल पहुंचने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम अफसर अस्पताल पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक अब से थोड़ी देर पहले ही कोविड-19 अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में कोविड की तैयारियों को लेकर जायजा लिया, बेड, ऑक्सीजन और स्टाफ के बारे में जानकारी भी हासिल की। शहर के सेक्टर 39 में कोविड अस्पताल है। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे। आपको बता दें, ये जिला अस्पताल की इमारत है। कोरोना वायरस के कारण आई महामारी से लड़ने के लिए इस इमारत को कोविड-19 अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था। अब बहुत जल्दी से गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज मेरठ मंडल की स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक है। कोविड को लेकर के दुनिया के अन्य देशों में आ रही खबरों को देखते हुए हम मेरठ मंडल के आज सभी चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके सरकार की तैयारियों के विषय में इनसे चर्चा करेंगे। और चूंकि कोविड जब भी आता है तो एनसीआर में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मेरठ मंडल में आज हम बैठ रहे हैं। कोविड की तैयारियों के साथ साथ जो अन्य हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, चिकित्सकों की तैनाती के बारे में, उपकरणों के बारे में, दवाइयों की उपलब्धता के बारे में हम बिंदुवारा समीक्षा करेंगे। अभी हमने जनप्रतिनिधियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और बैठक करके हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को उच्च कोट की स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, कृतसंकल्प है। सर, वैक्सीन नहीं है जिले में और आपको आजकल में उपलब्धता आ जाएगी, इस चर्चा हो गई है। और दूसरा सर, कब तक ये जिला अस्पताल शिफ्ट हो जाएगा बड़ा? अभी जैसे ही समीक्षा बैठक होगी हम शीघ्र से शीघ्र करने वाले हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।